हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 181 से लेके 190 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे और ये जो है 19वां वीडियो है और इससे पहले मैंने 18 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बॉटम डॉलर, बॉटम डॉलर का मतलब होता है द लास्ट पेनी, यानी कि अंतिम पैसा, जो लास्ट पैसा आपके पास बचा हुआ है उसी को बॉटम डॉलर कहा जाता है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी हैज स्पेंट द बॉटम डॉलर इन क्लोथेस सी हैड। जो भी पैसा इसके पास बचा था लास्ट में, इसने उससे कपड़े खरीद लिए। अब इसके पास कोई पैसा नहीं है। अब ये क्या करेगी, अपने पापा को फोन करेगी, बोलेगी कि पापा मुझे थोड़ा पैसा भेज दो, सारे पैसे मेरे खर्च हो गए कपड़े पे। तो इस तरह से कनेक्ट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बी एट द बॉटम। टू बी एट द बॉटम का मतलब होता है टू बी द मेन काउज ऑफ, यानी कि मुख्य कारण, या आप कह सकते हैं मूल कारण किसी भी चीज का, जो रियल रीजन है वो। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हार्ड लेबर इज एट द बॉटम फॉर हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। जो इसने कड़ी मेहनत की वही मेन कारण था इसके सक्सेस होने का एग्जाम में। इसे आप जानते होंगे, ये श्रुति शर्मा है और इस बार की यूपीएससी टॉपर है ये। ठीक, इसीलिए मैंने इसका पिक इसमें लगाया है ताकि आपको ज्यादा याद रहे और ज्यादा अच्छे तरह से कनेक्ट कर सके। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू गो टू द बॉटम। टू गो टू द बॉटम का मतलब होता है टू सिंक टू द बॉटम, यानी कि नीचे डूब जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द बोट वेंट टू द बॉटम ऑफ द रिवर। नाव जो है वो क्या हो गया, डूब गया, मतलब बॉटम में चला गया, किसके, समुद्र के या नदी के। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था टू बी एट द बॉटम, टू बी एट द बॉटम इसका मतलब होता है मेन कॉज, और टू गो टू द बॉटम यानी नीचे चले जाना, इसका मतलब होता है डूबना। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, काफी सिमिलर हैं दोनों idioms। अगला हम देखते हैं ऑन ओन्स ओन बॉटम, इसका मतलब होता है फ्री अनरिस्ट्रेंड, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र होना, उसी को हम कहते हैं ऑन वन्स ओन बॉटम। मतलब कि आपका बॉटम है, आप अपने बॉटम को जहां चाहिए रखिए, जहां चाहिए बैठ जाइए। ठीक, तो इससे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज ऑन हिज बॉटम टू डू एनीथिंग ही लाइक्स। वह जो है बिल्कुल फ्री है जो वो करना चाहता है। जैसे आपने ये पिक्चर देखा होगा थ्री इडियट्स, जब इसका ये पोता या पोती जो भी ये जन्म लेता है तो ये क्या बोलता है उस समय, कि तुम फ्री हो कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या फुटबॉलर बनो, जो भी बनना चाहती हो या चाहते हो वो तुम कर सकते हो। तो ये जो बच्चा है वो क्या है, फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। तो इससे भी आप कनेक्ट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं बाई लिप्स एंड बॉन्ड। बाई लिप्स एंड बॉन्ड का मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज प्रोग्रेसिंग बाई लिप्स एंड बॉन्ड। वह जो है प्रोग्रेस कर रही है बहुत ही तेजी से, बाई लिप्स एंड बॉन्ड, इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू मेक वंस गो। टू मेक वंस बो का मतलब होता है टू अपीयर पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लोगों के सामने जाना या जनता के सामने आना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द न्यूली इलेक्टेड सीएम मेड, सॉरी यहाँ मेड होगा, मेड हिज बो टूडे, यानी कि जो नए सीएम इलेक्ट हुए हैं वो आज पहली बार जनता के बीच जाएंगे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। और ये कौन है, ये भूपेश पटेल है और ये गुजरात के सीएम है और ये इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार जनता के बीच गए हैं। अगला हम देखते हैं टू बो एंड स्क्रैप। टू बो एंड स्क्रैप का मतलब होता है कि काफी पोलाइट होना या काफी रिस्पेक्टफुल होना। ठीक, तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, टू बो एंड स्क्रैप इज द मेन थिंग इन हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में बो एंड स्क्रैप यानी कि पोलाइट होना और रिस्पेक्टफुल होना सबसे मेन चीज है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं तो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो काफ़ी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, उनकी हॉस्पिटैलिटी है। तो हॉस्पिटैलिटी का मेन चीज़ क्या होता है, कि पोलाइट रहना और रिस्पेक्टफुल रहना। तो इससे आप कनेक्ट करके इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बो आउट ऑफ समथिंग। टू बो आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से अपने आप को पीछे खींच लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माय फ्रेंड बोर्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस। मेरा जो दोस्त है वो अपने वादे से मुकर गया है, यानी उसने अपने वादे को पीछे खींच लिया जो उसने हमसे वादा किया था। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ वादा हुआ था, वो वादा क्या हुआ है, टूट गया है। अगला हम देखते हैं टू ड्रॉ द लॉन्ग गो।
टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है टू टॉक बिग या बोस्ट, यानी बड़ी बड़ी बातें करना या फेंकना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट इज हर नेचर टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ये उसका नेचर है कि वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती रहती है और काफी ज्यादा वो फेंकती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं ऑन द बो हैंड। ऑन द बो हैंड का मतलब होता है वाइड ऑफ द मार्क, यानी कि निशाने से दूर। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द बॉल फेल ऑन द बो हैंड। बॉल जो है वो निशाने से थोड़ा दूर गिरा और ये भाई साहब जो है वो कैच इनसे छूट गया। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने 10 idioms एंड phrases किए एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। तो मैं डेली बेसिस पे 10 idioms एंड phrases लाता हूँ और ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।